क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सीधे तौर से गृह विभाग के अंदर आती हैं। तो सबसे बड़ा सवालिया सवाल अमित शाह जी के ऊपर है कि कैसे शुभकरण सिंह को कैसे और किसने गोली मारी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को खींचा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर से ही रिलेटेड है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में जब जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री है, इन्हीं के जूनियर है अजय मिश्र टेनी, उनके लड़के द्वारा 5 लोगों को गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिलती है और बेल ऑर्डर में बड़ा क्लियरली लिखा है कि आप सिवाय पेशी के, जिस दिन आपकी कोर्ट में पेशी है उसके अलावा आप कोर्ट में यूपी स्टेट में नहीं जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है कि कैसे आशीष मिश्रा टेनी अपने पिता के लिए वोट मांग रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? कैसे एक व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट में आने से मना किया है वो साइकिल और रिक्शा बांट रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सो दोस्तों, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, अब क्योंकि अभिमन्यु भाई ने और दलेवाल साहब जी ने आंकड़े रख दिए हैं, सवाल ये है कि ये जो फ्री का राशन मिल रहा है उसको खरीदा कहां से जा रहा है, उसके लिए पैसा कौन दे रहा है और किस रेट से खरीदा जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन सवालों का जवाब भी आज भाजपा से पूछा जाना था क्योंकि वो आए नहीं है और हम इनको आंकड़ों के साथ बताते कि ये किस रेट पे कैसे और किस तरह खरीदा जाता है। देश की जनता को 5 किलो अनाज देना आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप देश के एक बहुत बड़े वर्ग से उसका हक छीन रहे हैं, आप उसको MSP नहीं दे रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूंगा। धन्यवाद।